ये एयर अरबी आ रहा है मदीनतुल मुनव्वरा एयरपोर्ट के ऊपर। इंडिगो से भी छोटा ही है, प्राइवेट जेट बनने के लिए की जाती क्या? भी ये यहाँ सामने इस तरफ यहाँ पार्क होगा। और ये गेट नंबर है 117 117। कितना आलीशान एयरपोर्ट बनाया हुआ है आप देख सकते हैं। वहाँ से ये जो मुसाफिरीन हैं वहाँ से दाखिल होंगे, हम भी उन्हीं के लिस्ट में हैं इंशाल्लाह। तो अभी फ्लाइट पूरी तरह अपनी जगह पर फिट नहीं हुआ है इसलिए अभी लोग बैठे हुए, वरना वक्त तो हो गया है, एंट्री का वक्त हो गया है, अभी इसी की तैयारी चल रही है शायद। तो ये ट्रॉली अपना काम शुरू कर रही है, उसके साथ जुड़ रही है। इस फ्लाइट से अभी जो हजरात उतरे हैं वो उधर ऊपर से आ रहे हैं, जब वो खाली हो जाएगा तो ये जो नीचे लोग बैठे हुए हैं वो उसमें चले जाएंगे। इसको रुकने का आराम करने का मेरे ख्याल से वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही खाली होगा फौरन भर जाएगा, उड़ना ही है फौरन उसको। तो अभी लाइन लग चुकी है अंदर जाने के लिए और हम भी उन्हीं के साथ चलते हैं इंशाल्लाह। अभी ये हमें बोर्डिंग पास दिखाना है और हमारा सीट नंबर है 6F। और फ्लाइट है एयर अरेबिया। आगे की प्रोसेस आपको दिखा दूं, यहाँ से चेक करते हैं, उसको स्कैन करते हैं और फिर आ रहे हैं आपके साथ साथ इंशाल्लाह, आगे जाने देते हैं। इसको स्कैन करने के बाद ही अंदर एंट्री मिल सकती है। ग्रेड के हिसाब से बिठाते हैं, सी वालों को पहले, बी वालों को बाद में और ए वालों को सबसे आखिर में, क्योंकि फ्लाइट में बिठाने के लिए इस तरीके से होता है कि एक साथ भीड़ चली जाएगी, कुछ कोई सीट, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सीट पीछे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सीट आगे हैं, तो दिक्कत ना हो इसके लिए जिनकी सीट पीछे हैं उनको पहले, फिर बीच वाले और फिर जिनकी सीट शुरू में होती है उनको सबसे आखिर में दाखिल किया जाता है। और एक दूसरी बात बता दूँ, आखिर में फ़्लाइट में दाखिल होने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि सब कुछ अच्छी तरीके से हम देख सकते हैं। और फ़्लाइट में बैठने के बाद यात्री जो अंदर बैठ जाते हैं, मुसाफिर कैसा दिखता है, ये सारा सब कुछ हम नज़ारा कर सकते हैं। ये लिफ्ट जो देख रहे हैं आप, ये मुड़ भी सकती है, यहाँ से अभी मुड़ी हुई है ये इस तरफ, अगर इसको इस तरफ मोड़ना है तो इसको जमा करेंगे, यहाँ वाला खोलेंगे, पूरी एसी है, इसको बाहर भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे ये हिस्सा पूरा अभी छोटा था उसको बड़ा किया है। अंदर से एहसास नहीं होगा लेकिन बाहर से पता चलेगा कि किस तरीके से इसको बड़ा किया गया है। तो ये सीढ़ी यहाँ से बड़ी हुई है, चेंज हुई है, स्टेप इस तरह, ये देख सकते हैं यहाँ से। अभी पीछे हमारे लाइन है, हम लोग थोड़े आगे निकल गए हैं क्योंकि लाइन ज़्यादा लंबी थी और हमें दोनों तरफ का हिस्सा लेना था इसलिए। यहाँ मदीना मुनव्वरा का फ़ोटो लगा हुआ है और नाम दिया है सैयदतुल बुल्दान, वाकई ये सैयदतुल बुल्दान ही है। Thank you.
अभी बिल्कुल करीब आ चुके हैं हम यात्री के शेख साहब हमारे पास। ये गेट है फ्लाइट का, इसको कैसे खोला जाता है इसका तरीका लिखा है यहाँ। वीडियो को पोस्ट करके आप देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी बड़ा हवाई जहाज़ है और स्टेप अलग अलग किए हुए हैं। तो यहाँ की सीट, तो ये हमारी सीट आ गई 6F। खिड़की के बाजू में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी सीट। यहाँ आपकी मुसाफिर की सहूलत के लिए कुछ चीज़ें दी हुई हैं, सेफ्टी अपनी किस तरीके से की जाए उसके लिए, अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो तो किस तरीके से अपने आप को पैराशूट के ज़रिए से बचा सकते हैं, ये तरीका दिया है। ये अलग अलग जगहों के कुछ फ़ोटोज़ दिए हुए हैं ताकि आपके दिल में कुछ और ज़्यादा शौक़ पैदा हो और आप वहाँ का टूर करें। ये है हमारे इंडिया का न्यू दिल्ली। सभी यात्री अंदर, सभी मुसाफिरीन बैठ चुके हैं और दरवाज़ा बंद हो चुका है। तैयारी होगी इंशाल्लाह जाने की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।